हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इजी इंग्लिश क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के प्रोस सेशन का 6 चैप्टर है, जिसका नाम है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। इस चैप्टर को आर श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और सेकेंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसको पढ़ना शुरू करिए। ये वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है, आ स्टोरी इज टोल्ड। इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट वीडियो यहाँ तक मैंने लोड कर दिया है। आइए अब सेकेंड वीडियो में यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन। तानसेन के विषय में ये कहानी कही जाती है। आई स्टोरी एक स्टोरी मीन्स है टोल्ड, मीन्स कही जाती है। तानसेन के विषय में एक कहानी के बताई जाती है, कहानी कही जाती है। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, नहीं अकबर के दरबार का महान संगीतकार, विच जो इल्यूस्ट्रेट्स जो में सोते व्याख्या करना दिस पॉइंट विवेडली, जो इस पॉइंट की इस मुद्दे पर या इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। तानसेन वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन एक महान संगीतकार था। एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर उसके संगीत का बहुत शौकीन था। वन डे एक दिन व्हेन तानसेन वाज इन प्रैक्टिस पार्टिकुलरली गुड फॉर्म, एक दिन जब तानसेन विशेष रूप से वो एक संगीत गा रहा था, अकबर वेंट इनटू एक्सटेजी एंड आस्क्ड हिम, अकबर भाव विभोर हो गया, आनंदित हो गया और उनसे पूछा, इससे तानसेन से पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंकॉर्ड ऑफ नोट्स, व्हाट इज द सीक्रेट क्या रहस्य है ऑफ द स्वीट कंकॉर्ड ऑफ टोन ऑफ नोट्स, यानी इस संगीत का जो मधुर जो लय है इसमें क्या रहस्य है, इसका क्या रहस्य है, विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो मुझे इस संसार से बाहर ले जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट मी टू डिवाइन रीजियंस, जो ईश्वरीय क्षेत्र में मुझे ले जाता है, अर्थात इस संसार से बाहर ईश्वरीय क्षेत्र में मुझे ले जाता है। आई हैव नॉट हियर्ड एनी वन एल्स, मैंने कभी ऐसे संगीत को किसी से नहीं सुना है, हूँ जो कैन दस कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक एंड मेक अ स्लेव ऑफ अवर हार्ट्स, मैंने कभी किसी से ऐसे संगीत को नहीं सुना है जो मुझ पर जादू डाल सके और मेरे हृदय को अपना गुलाम बना सके, अपना दास बना सके। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तुम वास्तव में बहुत अद्भुत हो। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, महान संगीतकार ने उत्तर दिया, सर आई एम ओनली अ हम्बल पुपिल ऑफ माई मास्टर, मैं अपने स्वामी का केवल एक बावना मात्र, यानी बावना एक मात्र शिष्य हूँ। स्वामी हरिदास का मैं एक कह सकते हम्बल पुपिल, एक नाम मात्र, यानी अदना सा मामूली सा शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक ग्रेस एंड चार्म, मैं अपने मास्टर का अर्थात अपने स्वामी का एक उस स्वामी की तकनीक का, उनकी शान का, उनके आकर्षण का मैं एक अंश भी नहीं हूँ, अर्थात मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। व्हाट एम आई बेसाइड हिम, मैं क्या हूँ, हूज म्यूजिक जिसका संगीत इज आ रिथमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हार्मनी ब्यूटी एंड चार्म इन साउंड, जिनका संगीत लयबद्ध करता है, किसको लयबद्ध करता है, ऑफ डिवाइन हार्मनी यानी ईश्वरी लय को, ब्यूटी सुंदरता को, एंड चार्म इन साउंड और आवाज में आकर्षण को,
इन चीजों को लयबद्ध करता है उनका संगीत अकबर का। व्हाट द एम्परर क्राइड, एम्परर चिल्लाए क्या, इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या यहाँ ऐसा भी कोई है जो आपसे बेहतर आपसे अच्छा गा सकता है या आपसे अच्छा गाता है। इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट, क्या आपके स्वामी इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, इतने बड़े माहिर हैं। आई एम बट अ पिग्मी माई मास्टर्स साइड, मैं अपने उस्ताद का, अपने मास्टर का, अपने स्वामी का एक बौना मात्र हूँ। पिग्मी मिस होता है बौना, यानी एक नाम मात्र शिष्य हूँ। सर तानसेन, तानसेन ने कहा कि मैं अपने स्वामी का, अपने उस्ताद का, अपने गुरु का मैं एक नाम मात्र शिष्य हूँ। अकबर वाज ग्रेडी ग्रेटली इंटेलिजेंट अकबर वाज ग्रेटली इंटेलिजेंट अकबर बहुत वो अकबर जिज्ञासा से भर उठे। ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास, वो हरिदास को सुनना चाहते थे। बट इम्परर थ्रो ही वॉज ही कुड नॉट गेट हरी टू हिज कोर्ट, वो सम्राट होते हुए भी अकबर को अपने सम्राट होते हुए भी स्वामी हरिदास को अपने दरबार नहीं बुला सके। सो इसलिए ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज वेयर इन हिज आश्रम डेवेल्ट द स्वामी, जब वो ने स्वामी को, स्वामी हरिदास को अपने अपने दरबार में नहीं बुला सके सम्राट जी, तो तानसेन और अकबर ने वो सॉरी सो इसलिए ही वो अकबर अर्थात सम्राट, ये ही शब्द सम्राट के लिए आया है, इसलिए वो सम्राट और तानसेन वेंट टू द हिमालयस पर्वत पर गए हुए जहाँ इन हिज आश्रम अपने आश्रम में ड्वेल्ड द स्वामी, स्वामी जी रहते थे। ड्वेल मीन्स होता है रहना, यानी अपने आश्रम में रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नेड वार्न्ड अकबर दैट द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वॉन्टेड टू। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड, तानसेन ने पहले ही उनको चेतावनी दे दिया था, तानसेन ने अकबर को पहले ही चेतावनी दे दिया था दैट कि स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वॉन्टेड, कि स्वामी जी तभी गाते हैं, केवल तभी गाते हैं जब उनकी इच्छा होती है। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में ही उनको बता दिया अकबर, सम्राट को बता दिया, तानसेन ने पहले ही उनको चेतावनी दे दी कि देखिए जा तो रहे हैं लेकिन हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी सिर्फ तभी गाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। सेवरल डेज, बहुत दिन गुजर गए। दे स्टेड एट द आश्रम, वो आश्रम में ठहरे रहे, बहुत दिन गुजर गए वो आश्रम में ठहरे रहे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी ने नहीं गाया। देन तब वन डे एक दिन तानसेन सैंग वन ऑफ द सॉन्ग्स टाइट बाई द स्वामी, तब एक दिन स्वामी हरिदास जी के द्वारा सिखाए गए एक संगीत को उसने गाना शुरू कर दिया। एंड डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड अ फॉल्स नोट, तब जानबूझकर एक गलत सुर निकाल दिया। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, और तब उनके संत, सेंट जो संत थे अर्थात वो स्वामी हरिदास जी थे, उनके ऊपर बिजली जैसा झटका लगा। देखिए तानसेन ने जानबूझकर गलत सुर निकाल दिया और यह सुनते ही स्वामी हरिदास जी के एक बिजली जैसा झटका लगा। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड अ रूड शॉक, यानी उनके जो उनके अंदर के जो कला थी उस कला के ऊपर बिजली जैसा झटका लगा। ही टर्नेड टू तानसेन, वो तानसेन की तरफ मुड़े एंड रेब्यूक्ड हिम, और उनको फटकारा, उनकी तरफ मुड़े और फटकारते हुए कहा व्हाट हैज हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हो गया है तानसेन, तानसेन तुम्हें क्या हो गया है, दैट यू अ पुपिल ऑफ माइन, कि मेरा शिष्य शुड कमिट सच अ ग्रॉस ब्लंडर, मेरा शिष्य इतनी बड़ी गलती करे, इतनी बड़ी भूल करे। ही उन्होंने देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, उन्होंने उस टुकड़े को अर्थात उस जहां पर वो भूल गए थे,
तानसेन जहां पर भूल गया था वहीं से उस टुकड़े पर उन्होंने संगीत बजाना शुरू कर दिया। द मूड केम अपॉन हिम एंड इनवलप हिम, द मूड केम अपॉन यानी वो लोग उसमें भाव विभोर हो गए, एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ, वो उसमें देखिए द मूड केम अपॉन हिम एंड इनवलप हिम, वो उसमें भाव विभोर हो गए अर्थात उसमें विलुप्त हो गए। जो स्वामी हरिदास जी जब बजाना शुरू किया तो उसमें एकदम मग्न हो गए, एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ, और वो अपने आप को भूल गए इन द म्यूजिक संगीत में, विच फिल्ड द अर्थ एंड हीवन, जो पृथ्वी और स्वर्ग को अर्थात आसमान को भर रहा था, अर्थात पृथ्वी और आसमान पर वो फैल रहा था। अकबर एंड तानसेन, अकबर और तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ्स इन द शियर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, अकबर और तानसेन स्वयं को भूल गए इन द शेरिल यानी लयबद्ध सुर में एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, और संगीत के आकर्षण में अपने आप को भूल गए। इट इज ट्रू, यहां से इट वॉज यूनिक एक्सपीरियंस, यह अद्वितीय इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, या अद्वितीय अनुभव था, व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, जब संगीत रुका, अकबर टर्न्ड टू तानसेन, अकबर तानसेन की तरफ मुड़े एंड सेड, और कहा, यू से यू लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, तुम कहते हो कि तुमने इस संगीत को इस संत से सीखा है, एंड येट, और फिर भी, यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, और इन सबके जो सजीव लिविंग चार्म, सजीव आकर्षण को तुमने छोड़ दिया, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने सभी सजीव आकर्षण को छोड़ दिया है। योर्स सीम्स टू बी बट चाइफ बेसाइड दिस सोल स्ट्रिंग म्यूजिक, योर्स सीम्स ने ऐसा प्रतीत होता है, तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है, बट लेकिन चाक में स्वतः भूसा बेसाइड दिस सोल स्ट्रिंग म्यूजिक, यानी आत्मा को झकझोर देने वाले संगीत के सामने, या जो संगीत आपका जो संगीत ये भूसे के समान है। सम्राट जी कह रहे हैं तानसेन से, देखिए इससे पहले तानसेन, वो सम्राट तानसेन की संगीत के बारे में संगीत की प्रशंसा कर रहा था, अर्थात तानसेन की संगीत की तारीफ कर रहा था, और वो कह रहा था कि क्या उसके बाद में जब उसने बताया कि मेरे गुरु इससे अच्छा भी गाते हैं, तो वो उसको यकीन नहीं हो रहा था, तो सुनने के लिए वो पर्वत पर गए और स्वामी हरिदास जी के संगीत को सुनने के बाद वो तानसेन से कहने लगे कि तुम्हारा जो संगीत है इस स्वामी हरिदास जी के संगीत के सामने कुछ भी नहीं है, यानी एक नाम मात्र संगीत है। देखिए अब उसने क्या कहा, इट इज ट्रू, हाँ या सत्य है, देखिए तानसेन बोल रहे हैं यहाँ पर, इट इज ट्रू या सत्य है सर, श्रीमान जी सर, तानसेन ने कहा, इट इज ट्रू या सत्य है दैट माय म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस, कि मेरा संगीत निर्जीव है, बेजान है, बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर, यानी मेरे स्वामी मेरे मास्टर मेरे उस्ताद के संगीत के सामने, उनका जो सजीव संगीत उसके सामने मेरा संगीत एकदम निर्जीव किस्म का संगीत है। बट देन, लेकिन तब, देयर इज दिस डिफरेंस, यहां एक फर्क है, आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग, मैं सम्राट के आदेश पर गाता हूं, बट माय मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, लेकिन मेरे उस्ताद मेरे स्वामी किसी मनुष्य के आदेश पर नहीं गाते हैं, बट ओनली व्हेन द प्रॉमिटिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, लेकिन वो केवल तभी गाते हैं जब उनकी अंतरात्मा से उनको इजाजत मिलती है, उनको परमिशन मिलती है, उनको अनुमति मिलती है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, यही हमारे और उनके बीच में यही फर्क है। फ्रेंड्स यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।